हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा, अपने चैनल सीखो जिंदगी से। फ्रेंड्स, ये मैं 3-4 साल के बच्चे के लिए कैप लेके आई हूँ। ये क्रोशिए से बनी कैप है, बहुत ही इजी और जल्दी बनने वाली कैप है, बिगनर भी इसको बना सकते हैं। तो चलिए आइए बनाते हैं और सीखते हैं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे ये ऊन ले रही हूँ, 4 प्लाई की ऊन है मेरी, बेबी वूल में है, और ये 11 नंबर का मेरा क्रोशिया है। यहाँ पे ये देख लीजिए, 11 नंबर का है। तो मैं सबसे पहले यहाँ धागे में गांठ लगाऊंगी। धागे में गांठ आप ऐसे धागा कीजिए अपनी उंगली पे ऐसे, और यहाँ क्रोशिया डालिए और इसको धागे को नीचे कीजिए, और यहाँ से क्रोशिया इस तरह गांठ ऐसे लगाएंगे यहाँ से। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 चैन बनानी है। 6 चैन बनाने के बाद मैंने पहली चैन में सिंगल क्रोशिया 2 का 1 कर देना है, ये देखिए। और अब मैंने यहाँ पे 1, 2, 3 चैन बनानी है, और यहाँ पे राउंड में मैंने यहाँ पे कम से कम 16 डबल क्रोशिया बनाने हैं ऐसे। यहाँ पे देखिए, मैंने ऐसे डबल क्रोशिया 16 बनाने हैं, 15 और 1 16, 16 डबल क्रोशिया बनाए। अब मैंने जो ये पहले वाली चैन ली थी 3 की, तीसरे के अंदर मैंने इसको तीसरी चैन के अंदर सिंगल क्रोशिए से जोड़ देना है ऐसे। ये जोड़ दिया मैंने, ये मेरा 1 राउंड पूरा हो गया। अब 1, 2, 3, 3 मैंने चैन बनानी है, और इसी के अंदर 1 बार और बनाना है, मतलब यहाँ 2 बार बनाएंगे और फिर अगले वाले में 1 बार बनाएंगे, फिर अगले वाले में 2 बार बनाएंगे। फिर उससे अगले वाले में 1 बार बनाएंगे। आपने यही रिपीट करते जाना। एक में हमने 2 बनाने हैं और दूसरे में हमने 1 बनाना है, डबल क्रोशिया बनाना है। 2 बनाए 1 बनाया, 2 बनाए 1 बनाया, फिर 2 बनाए 1 बनाया, ऐसे करके हमने ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ देखिए, मैंने इस राउंड में 2 बनाए 1 बनाया, 2 बनाए 1 बनाया, तो लास्ट में आ गई हूँ। यहाँ पर दोनों इकट्ठे हैं, तो यहाँ पर मैं तीसरी चैन में इसको जोड़ दूँगी सिंगल क्रोशी से। ये देखिए, ये मेरा ऐसे आ गया दूसरा राउंड। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे 1, 2, 3, 3 की चैन बनानी है। ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे 3 की चैन बनाई, और जो हमारा ये वाला दिखाई दे रहा, यहाँ से नीचे की तरफ हमने क्रोशिया डालना है इसमें, नीचे की तरफ से, और यहाँ से हमने 3 का 2, 2 का 1 डबल क्रोशिया बनाना। फिर अगले वाले में भी नीचे की तरफ से क्रोशिया डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। ये देखिए, यहाँ चैन बनाई हमने इसके नीचे से डाल के, फिर अगले से नीचे डाल के, फिर हमने 1 बार फिर बनाना है ऐसे। ये देखिए, 1 बार बनाया और फिर 2 बार बनाया। तो ये देखिए, ये हमारी ऐसी, हमने 2 बीच में डबल क्रोशिया बनाने, ये देखिए 2 बना लिए। तो यहाँ डबल क्रोशिया बनाया, तो इसी के अंदर ये वाला, इसी के नीचे से हमने फिर डबल क्रोशिया बनाना, फिर अगले वाले के नीचे से डबल क्रोशिया बनाना, नीचे की तरफ को हमने क्रोशिया डालना है। अब मैं इसी के बीच में यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाऊँगी, अगले वाले में भी डबल क्रोशिया बनाऊँगी, और फिर इसी के साथ इसमें फिर मैंने नीचे की तरफ से बनाना है, फिर अगले वाले में नीचे की तरफ से बनाना है। ये देखिए, ऐसे आएगा, 2 हमारे थोड़े उठ के आएंगे और 2 हमारे डबल क्रोशिया आएंगे। तो ये राउंड मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मेरा राउंड यहाँ कंप्लीट हो गया। अब मैंने यहाँ पे देखिए, नीचे से बनाए थे दोनों, और यहाँ पे आगे जाके मैंने डबल क्रोशिया बनाया। अब मैंने ये जो हमारी चैन है 3 की, यहाँ सिंगल क्रोशिए से हमने तीसरी चैन में ऐसे इसको जोड़ देना है। यहाँ देखिए ध्यान से, अब आपको ये राउंड इसलिए नहीं समझ आ रहा है क्योंकि थोड़ा उभरा उभरा तब दिखाई देगा जब हम 2-3 बार इसको बना लेंगे। तो आपने क्या करना, फिर 3 की चैन बनानी है यहाँ पर, और यहाँ पर ये देखिए, इसके नीचे से आपने हर बार ऐसे ही नीचे की तरफ से क्रोशिया डाल के फिर आपने इसको बनाना है ऐसे। यहाँ भी नीचे की तरफ से 2 बार बनाने, और अब हमने क्या करना है, ये 2 डबल क्रोशिया दिखाई दे रहे हैं हमने यहाँ पे, ये देखिए इसके नीचे से डाला था, यहाँ पे भी डबल क्रोशिया बनाना, उससे अगले वाले में भी डबल क्रोशिया बनाना, फिर उससे अगले वाले में भी,
ऐसे करके ये हमारे तीन हो गए, बीच में तीन डबल क्रोशी हो गए। अब यहीं से हमने ये वाले के नीचे से एक बार बनाया, फिर उससे अगले वाले के नीचे से बनाया दो बार। ये देखिए मैं आपको अच्छी तरह दिखा देती हूँ, ये आपकी कलियाँ बनती हुई जाएंगी, हमारी आठ कलियाँ आएंगी। और यहाँ पे मैंने दो बार बनाया था डबल क्रोशिया बीच में, तो अब ये तीन बार हो गया, तो हमारा ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो मैं ये राउंड आपको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये आपने कलियाँ नीचे से दो बार बनानी है, जो ये आपने नीचे से बना, और बीच के आपने ये देखिए इसके पास ही बिल्कुल यहाँ से बनाना है डबल क्रोशिया, एक फिर दो, और ये हमारा तीसरा चैन वाला, ये तीसरा हो जाएगा। यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया से इसको जोड़ देना है ऐसे। तो ये देखिए आपको अगर दिखाई दे रही होंगी तो इसमें कलियाँ, ये देखिए आपको दिखाई तो दे रही होंगी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि अभी पता नहीं इतना लग रहा। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, आठ कलियाँ हैं। तो हमारे ये बीच के बढ़ते जाएंगे और ये कलियाँ हमारी दो दो की ऐसे ही बनती जाएंगी। अब मैंने फिर 1 2 3 चैन बनानी, और यहाँ पे देखा हमारी कलियाँ दिखाई दे रही, इनको हमने नीचे की तरफ से ही बुनना है, इन कलियाँ को, आठ कलियाँ को। और नीचे की तरफ से बुनने के बाद हमने इनकी बिल्कुल यहीं साथ में ही क्रोशिया डाल के डबल क्रोशिया बनाना, फिर अगले वाले में बीचों बीच में डालना है। यहाँ पे अगले वाले में हमारे तीन तीन हो गए थे, अब हमारे ये चार चार हो गए। ये देख लीजिए, ये देखिए आप ध्यान से देखिए, ये हमारी कलियाँ हैं, यहाँ तक कलियाँ, और ये चार हो गए। और अब हमने यहाँ पे मैंने डाला, तो यहीं पे मैंने ये वाला उठा के ऐसे बनाना है दो, ये अगले वाला भी, इसको भी ऐसे ही बनाएंगे। और आगे हमने यहीं पे एक डबल क्रोशिया बनाना, फिर उससे अगले वाले में बनाना, फिर उससे अगले वाले में बनाना, और फिर हमने उस कली के पास बनाना जो अगली कली है उसके बिल्कुल पास बनाना। तो ये हमारे चार हो गए, और यहीं पे हमने इस कली को ऐसे एक और दो। तो ये देखिए आपको अब आराम से दिखाई दे रही होंगी ये कलियाँ, क्योंकि 1 2 3 जो राउंड में हमारे आठ कलियाँ हैं ये 16 के ऊपर बनी, 16 के ऊपर हमने फिर दूसरे राउंड में हमने 16 के जो 16 बनाए थे इसके ऊपर डबल क्रोशिया के ऊपर, फिर एक में हमने एक डाला और एक में हमने दो बार डाला, ऐसे करके हमने ये राउंड बना लेना है। और मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको दो से बताया था, फिर तीन हुआ, चार हुआ, ऐसे आपने यहाँ चार हो गए, फिर 5 6 7 8 9, तो इतना बनाना है आपने इसको ऐसे ही राउंड राउंड करते हुए। तो मैं आपको एक बार बना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने अपने राउंड कंप्लीट कर लिया है, और ये देखिए आपको इसमें दिखाई दे रही होंगी कलियाँ, ये देखिए ये मेरी आठ कलियाँ हैं, तीन ये छः और दो आठ। तो ये देखिए ऐसे बन के आएगी ये। अगर मैं आपको इन कलियों के बीच में गिन के दिखाऊंगी तो ये देखिए यहाँ हमारी कली रह जाती है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौ है ये हमारे। तो नौ नौ का राउंड मैंने ऐसे कंप्लीट कर लिया। अब हमारा यहाँ से डिज़ाइन शुरू होगा, तो मैं एक ही कलर में इसको बनाऊंगी, तो आप इसको दो कलर में भी बना सकते हो, लेकिन मैं एक कलर में बनाऊंगी। और ये आपके 3 से 4 साल तक के बच्चे का मेज़रमेंट है, अगर आप इससे बड़े का बनाना चाहोगे तो ये राउंड पूरे आप ज़्यादा कर लीजिए, और ये कलियाँ भी आप ज़्यादा कर लीजिए, 10 कलियाँ कर लीजिए, यहाँ 12 कलियाँ कर लीजिए, और ये राउंड भी ज़्यादा कर लीजिए, क्योंकि सिर की हमारी जो गोलाई है ऊपर की उसके मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ये कैप बनती है। तो ये मेरे 3 से 4 साल तक के बच्चे की कैप बनेगी। तो अब हमने क्या करना है आगे, ये आप गिनती में गिनेंगे, अगर यहाँ से देखिए आप यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 राउंड आ गए हमारे, और यहाँ पे 9 हमारे बीच में बन। तो अब मैंने क्या करना है, अब यहाँ पे मैंने ये देखिए लास्ट में ये राउंड पूरे करने के बाद अब यहाँ से मैं लूँगी, अब डिज़ाइन यहाँ पहली सिलाई है हमारी डिज़ाइन की, पहला राउंड है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पर ऐसे लूँगी और यहाँ पे 1 2 2 छोड़ के तीसरे के अंदर मैंने 7 बार क्रोशिए को बनाना है, सॉरी 6 बार बनाऊंगी, 7 बार नहीं, ये 6 बार बनाया, ये देखिए। फिर हमने यहाँ पे 2 छोड़ के 1 2 तीसरे में फिर सिंगल क्रोशिया बनाना है, और फिर मैंने लपेटना है धागा, और 2 छोड़ के तीसरे में मैंने डबल क्रोशिया 6 बनानी है,
एक ही जगह बनाऊंगी छः। और फिर मैंने यहाँ पे एक और दो छोड़ के तीसरे में सिंगल क्रोशिया। बस हमने यही रिपीट करते जाना और पूरा राउंड ऐसे निकालना, दो दो छोड़ते हुए जाना। एक सिंगल क्रोशिया डालेंगे, दो छोड़ देंगे, फिर छह डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो छोड़ देंगे, ऐसे करके हमने पूरा राउंड ऐसे ही निकालना है। कि मैं लास्ट में आ गई हूँ। लास्ट पे हमने क्या करना है, यहाँ से शुरू किया था मैंने, ये देखिए यहाँ पे शुरू किया था, तो मैंने अब लास्ट में यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बनाया। अब मैंने यहाँ पे ये जो हमारा दिखाई दे रहा है यहाँ पे मैंने छः बनाने हैं, एक दो तीन चार पाँच और एक छः। ये छः बना लिए यहाँ पे देखिए। और अब मैंने यहाँ पे एक दो तीन और चौथे के ऊपर मैंने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेना है ऐसे। फिर मैंने डबल करना है और यहाँ पे जो मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया था यहाँ स्टार्टिंग में ही हमने छः यहाँ पे बना लेंगे, दो तीन चार पाँच और छः। छः यहाँ पे बनाए, फिर यहाँ देखिए छः हैं ये, तो बीचों बीच में इनके हमने ऐसे बना लेने सिंगल क्रोशिया और यहाँ पे फिर छः बनाने हैं। चार पाँच और एक छः। तो ये देखिए इस तरह पैटर्न आएगा ये, जिसके ऊपर आपने ये देखिए इनके ऊपर आपने सिंगल क्रोशिया बनाना है, छः के ऊपर यहाँ पे बीचों बीच में तीन इधर हैं, तीन इधर हैं, ये देखिए बीच में, और यहाँ पे आपने यहाँ पे छः बनाने हैं डबल क्रोशिया। इसके ऊपर एक बनाएंगे, इसके बीच में छः बनाएंगे, इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें छः, ऐसे करके हमने ये राउंड पूरे ऐसे ही करने हैं। और यहाँ आके आपने फिर आपने एक बनाना है यहाँ सिंगल क्रोशिया, यहाँ छः बनाने हैं, फिर एक ऐसे ही राउंड आपने करते हुए जाना। तो आपने कम से कम यहाँ सात आठ राउंड निकाल लेने ऐसे ही, और फिर आपने मैं आपको एक कैप दिखाऊंगी। तो ये देखिए मैंने अपने यहाँ राउंड पूरे कर लिए हैं, ये देखिए इस तरह फोल्ड हो जाएगी ये। जब ये डिज़ाइन डालेंगे हम तो इस तरह फोल्ड होनी शुरू हो जाएगी, जो ऊपर वाला हिस्सा हमने बनाया था वो ये देखिए ऐसे हो जाएगा, तो ये कैप की शेप में आ जाएगी जैसे सर की शेप में है। तो अब मैंने यहाँ पे कितने राउंड बना लिए देखिए, यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच, पाँच राउंड ये हो गए और पाँच ये, मतलब दस, दसवां राउंड है ये मेरा और ग्यारहवां राउंड बनाने जा रही हूँ। तो ग्यारहवें राउंड में हमने इसको बढ़ाना शुरू करना है अब, क्योंकि हमने इसको कैप की शेप देनी है। तो अब इसको मैंने यहाँ पे देखिए, हर बार मैंने यहाँ पे छः छः बनाए थे, तो इस राउंड के बाद हमने इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पे छः बना दिए, ये लास्ट का है, तो यहाँ पे आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हमने ये हर बार बनाया, और यहाँ पे बीच में ये सिंगल क्रोशिया के हमने यहाँ आठ बनाने हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ। अब आपने छः के यहाँ आठ कर देने हैं, मतलब आपने छः छः बनाए थे पहले, अब दो बढ़ा के हमने आठ कर देने हैं। तो हमने अब यही करना है कि इस डबल क्रोशिया हमने जहाँ भी बनाने, अगले में हमने एक सिंगल डाला है और यहाँ पे फिर आठ बनाएंगे, तो हमने आठ का पूरा राउंड करना, फिर एक और राउंड हमने आठ का करना है। तो दो राउंड हमने आठ के करने हैं और दो राउंड हमने दस के करने हैं, फिर दो राउंड हमने बारह के करने हैं। तो ऐसे करके मेरे यहाँ कम से कम छः राउंड और बनेंगे, तो उसके बाद ये हमारी कैप पूरी होगी। तो मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ, क्योंकि आपको बनाना तो मैंने दिखा ही दिया कि आपको एक ही जगह डबल क्रोशिया, पहले हमने छः छः बना रहे थे, अब मैं आठ आठ बनाऊँगी, दो राउंड मैं आठ के बनाऊँगी और दो राउंड दस के बनाऊँगी
और दो राउंड 12 के बनाऊंगी, फिर ये कैप कहीं जाके हमारी पूरी होएगी। ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे हमने एक ही सिंगल क्रोशिया बनाना है, तो अगले राउंड में हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना है और यहाँ पे बीचों बीच में हमने ये डबल क्रोशिया के 8 डालने हैं। तो ऐसे करके हमारी ये कैप बनेगी और इसकी शेप बननी स्टार्ट हो गई है। देखिए तो मैं आपको ये राउंड पूरे कंप्लीट करके 6 राउंड दिखाती हूँ फिर। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे अपने 4-6 राउंड और निकाल लिए हैं। 10 राउंड के बाद मैंने दो दो बढ़ाए थे इसमें, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 12-12 का लास्ट राउंड निकाल लिया है। और अब हमने इसको पतली पतली सी किनारी बनानी है सिंगल क्रोशिए की, जैसे कि ये हम सिंगल क्रोशिया चलाते हैं ऐसे ऐसे सिंगल क्रोशिए की किनारी ऐसे हम सारे में बना लेंगे लास्ट में ऐसे। और ये किनारी हमने सारे के अंदर बना लेनी है। और यहाँ देखिए मैंने सारी किनारी ऐसे बना ली है चारों तरफ राउंड में, और ऐसे मेरी कैप बन के आएगी। तो देखिए ऐसा लुक मेरी कैप का आएगा, ये चारों तरफ से, ये देखिए बहुत ही सुंदर बन के आई है। और ये आपके 4 साल तक के बच्चे को आराम से आ जाएगी। और आप इसको बनाइए, सीखिए, और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। तो ये बढ़ने की वजह से ये बाहर की तरफ को आ जाती है और बहुत ही प्यारी बन के आती है। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।